नमस्कार दोस्त, अभी आप सबके बीच में एक समस्या लेकर आए हैं जो ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे, मतलब कहा जाए हॉस्पिटल का, जो कि हमारा सरकार जो है, हमारे माननीय जो है डिप्टी सीएम तेजस्वी बाबू, उनके अनुसार सारा व्यवस्था तो मिल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल का जो प्रबंधक लोग है वो जो है ना व्यवस्था सही नहीं रख रहे हैं, जो कि अभी हम आप सबको बताने वाले हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है और ये शायद आप लोग के साथ भी हो रहा होगा और आप लोग भी गए होंगे, जो कभी लोग बात नहीं रखता है, लेकिन आज हम इस बात को रखने वाले हैं आप लोग के बीच में। देखिए, ये जो है हमने हॉस्पिटल गए थे और ये जो हॉस्पिटल का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, राजवंशी नगर, पटना। तो हमने यहाँ जाकर ये देखिए हॉस्पिटल का नाम एक बार पर्चा हमने कटवाया। हॉस्पिटल का नाम है लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल, राजवंशी नगर, पटना। तो ये हॉस्पिटल में हमने गया था अपना इलाज के लिए, तो पुर्जा हमने लाइन में लग कर कटवाया। करीब करीब हम 2 घंटा लाइन में लग कर पुर्जा कटवाया, क्योंकि मेरे आगे भी और लोग बैठे हुए थे कटाने के लिए, एक लेडीज के था एक जेंट्स के था। तो जो कि हमने 2 घंटा बाद मेरा नंबर आया, मेरा पुर्जा कटा। अब पुर्जा कटाने के बाद हमने गया हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए। तो डॉक्टर साहब हमको देखने के बाद बोले कि ये कुछ ब्लड जांच है, इसको करवा लीजिए। हमने ब्लड टेस्ट के लिए वो रिपोर्ट पर लिख दिए और हमने लेबोरेटरी जो ब्लड जहाँ टेस्ट होता है वहाँ हमने गया, तो उनको हम ये पुर्जा दिए कि लीजिए, मेरा डॉक्टर साहब ने ब्लड टेस्ट के लिए लिखे हैं। तो हमको लेबोरेटरी के जो वहाँ जो जाँच करने वाले व्यक्ति होंगे वो हमसे बोले क्या कि जाकर फिर से पुर्जा कटवा कर लाइए। बोले भैया आप तो पुर्जा कटवा कर ला है, अब कौन सा पुर्जा कटवा कर लाए। तो बोले कि नहीं, फिर से आप एक टेस्ट के लिए अलग से पुर्जा कटता है। वो कहाँ कटेगा, तो जहाँ से आप पुर्जा कटवा कर लाए हैं उसी जगह फिर से आप जाकर कटवा कर लाइए। हमने काउंटर पर गया जहाँ से मैंने पुर्जा कटवाया था, उस जगह पूछा कि भैया देखिए ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर साहब लिखे हैं ऐसे, उसका पुर्जा यहीं कटता है, तो हाँ यहीं कटता है। हम कहे कि तो लीजिए पुर्जा काट दीजिए। तो बोले कि नहीं, फिर से इसको दोबारा आप लाइन में जाइए पीछे। हमने भैया तो फिर इसी में आप ब्लड टेस्ट के लिए भी पुर्जा काट रहे हैं और इसी में जो है हॉस्पिटल में दिखाने के लिए भी काट रहे हैं, तो फिर आप एक व्यक्ति हैं, तो 2 घंटा तो हमने पहले अभी लाइन में लग के गया हूँ और फिर हमको 2 घंटा पीछे लगना पड़ेगा, जो कि पीछे हमारे आगे से 50 आदमी खड़ा हुआ है। तो आप बताइए कि हम क्या करें, 2 घंटा फिर हमको मतलब 2.5 घंटा लग जाएगा उसको हमको करने में, फिर ब्लड टेस्ट करवाने का टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो वहाँ निर्धारित है शायद 45 वो से बेसी नहीं होता शायद, ऐसा कुछ है लोग वहाँ पर रूल रखा। तो आप बताइए कि वहाँ पे फिर मैं टाइम खत्म हो जाएगा और फिर क्या होगा कि फिर कल आना पड़ेगा। हम कह लिए भैया हमको डॉक्टर साहब लिखे हैं टेस्ट के, जो मार्केट में हम करवाएंगे तो 50 या 100 रुपये में हमको टेस्ट हो जाएगा ब्लड टेस्ट। तो बताइए कि हम 300-400 रुपया मजदूरी का कमाने वाला व्यक्ति, अगर हम दिन भर समय लगा दें एक टेस्ट कराने में, जो कि यही सुविधा के लिए कि हमको 50 रुपये बचत होगा, हमने सरकारी हॉस्पिटल में गया, और वो बचत ना हो, हम जो 50 रुपये बचाने के चक्कर में हम दिन भर का मजदूरी हम 500 रुपया हम खो जाएंगे। तो हमने वहाँ पर यही किया, वहाँ से हमने पुर्जा को लपेटा और ऐसे हम अपने जेब में डाले और चल आए और हम जाकर प्राइवेट में इसका जांच करवाएं। तो अधिकतर इस तरह का लुंजू पुंजू जो होता है हॉस्पिटल में, जो व्यवस्था बनाया जाता है जहां वहां का प्रबंधक लोग होता है, वो जान लीजिए कि वो लोग जान से बना के रखता है कि वहां कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में नॉर्मल फैमिली ही या गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, जो 150-500 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति ही जाता है, और ज़्यादातर सोचता है कि भाई 50 रुपये हमको बच जाए। हमने भी इसी सोच कर हमने वहां गया था कि मेरा जो है 50 रुपये बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसको हमको करने में हमको पूरा दिन खत्म हो जाता और जो हम दिन भर 500 रुपया कमाते वो मेरा चला जाता। तो हमने वहाँ ये डिसाइड किया भैया इससे अच्छा है कि हम चलो, नहीं तो हमारा ये दिन भर समय यही खत्म हो जाएगा और शायद होगा कि नहीं होगा टेस्ट आज, हो सकता है कल ही कह दे कि अब नंबर आपका आएगा, तो फिर कल मेरा समय बर्बाद होगा, इसलिए मैंने नहीं करवाया। तो बताइए ये जो है व्यवस्था कहाँ तक अच्छा है, अब आप सब डिसाइड करके हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे भैया। और हमारे लगता है कि ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के पास और हमारे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी बाबू के पास भी ये जाना चाहिए, क्योंकि और भी हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि तेजस्वी जी हमारे माननीय डिप्टी सीएम जी जाते हैं चेकअप वेकअप करने के लिए, अचानक पहुँच जाते हैं, तो हम कहेंगे कि एक आध बार कभी कभी यहाँ भी जाकर देख लिया कीजिए,
जो कि इस तरह का समस्या है, और नहीं तो इसका कुछ रूल नियम लगाए जिसके वजह से आपको भी पता चलते रहे कि हॉस्पिटल का व्यवस्था कैसा है। आप एक आदमी के जरूर अपने स्तर से लगा के रखें ताकि आपको पता चलते रहे, नहीं तो अन्यथा ये जो बिहार का हम लोगों का समस्या जो है ये उलझते जा रहा है, और हम लोग चाहेंगे कि इसको ठीक हो। और हमको उम्मीद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम साहब से कि जरूर इस व्यवस्था को आप लोग ठीक करने में आप लोग बिल्कुल मतलब प्रयास करेंगे। तो विशेष हम क्या कहेंगे, हम परेशान हो गए, हमको 10 बज गया, 12 करीब करीब 11 वहाँ बज गया था, नहीं सर टाइम लमसम हमको 11:30 के या लमसम हो गया होगा, हमने वहाँ से चल दिए कि भाई अब हम नहीं करवाएंगे। उतना देर तो हम लाइन में लगे, फिर हमको 2 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। बताइए कहाँ तक सही है, अब आप ही बताइए कहाँ तक सही है। इसका काउंटर अलग हो जाता तो कितना बेटर था, सभी को काम अच्छा से होता। इस तरह की व्यवस्था रखिएगा तो क्या होगा, हम लोग जैसा व्यक्ति नहीं जाया कराने के लिए, बहुत सारे लोग गरीब व्यक्ति है जो दिन भर बेचारा मर जाता है करवाते करवाते। हम तो शोध बुद्ध के काम किए, हमने भाई सोचा कि चलो भैया 50 रुपये 100 रुपये लगेगा, इतना क्या करें, तो प्राइवेट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूर कर देता है सरकारी संस्था, मजबूर कर देता है। कहीं कहीं ऐसा जो होता है व्यवस्था जो मजबूर कर देता है लोगों को कि मतलब हमारे पास लोग आए नहीं, कम से कम पेशेंट आए और अपने वो हड़बड़ा के घबरा के नर्वस होकर वहां से भाग जाए, और इसीलिए लोग प्राइवेट में चला जाता है। हर सरकारी जो है डॉक्टर है उनका अपना क्लिनिक सरकारी है, और इस तरह का लोग वहाँ का प्रबंधक लोग व्यवस्था करके रखता है ताकि लोगों कम से कम आए और जैसे कि प्राइवेट में जाए। तो बताइए कितना हमको मतलब समस्या का, मतलब मेरे साथ हुआ है, हर लोगों के साथ ऐसा होता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, कोई उसी में उलझ के रह जाता है, कोई उसी में परेशान रहता है। तो विशेष क्या करना, क्या भैया आप बताइए इस तरह का जो व्यवस्था हम गए हैं आपको लगता है कि उचित है, ऐसा होना चाहिए? समय भी बर्बाद है, आप चाहिएगा कि मतलब 2 घंटा लाइन में लगे फिर 2 घंटा और लगे, ये एक ही काम के लिए नहीं चाहिएगा? बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिएगा। तो ये कैसा है, ये व्यवस्था ठीक होना चाहिए? ये व्यवस्था ठीक करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डिप्टी सीएम साहब ही चाहेंगे तो होगा, वो सब ध्यान देंगे, और प्रबंधक साहब तो उनका तो भाई हम कहेंगे कि बहुत बड़ा उनका जो है लापरवाही है, इस चीज का बहुत बड़ा लापरवाही है। एक बार पहले भी मैंने गया था तो मजबूरी था मेरा ऐसा कि हम क्या कर सकते हैं, अब वैसा ही आज भी था, लेकिन आज हमने कुछ अपने मन को सोचा और वहां से हमने चला दिया। भैया आप सब इस चीज को वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब के पास मुख्यमंत्री जी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग इस चीज को समझे कि सही में विधि व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता है। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।